आवेशों का गुण है वो है आपका आवेशों की निश्चयता, आवेशों की निश्चयता। आवेशों की निश्चयता का तात्पर्य है कि आवेश जो है आपका वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध रखता है, आवेश की वेग पर निर्भरता नहीं, यानी ये वेग के लिए एक निरपेक्ष राशि है, आवेश एक निरपेक्ष राशि है। ये द्रव्यमान के तो सापेक्ष राशि है और वेग के निरपेक्ष राशि है। निरपेक्ष राशि है अर्थात आवेश जो है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी विराम अवस्था में आवेश का मान और गति की अवस्था में आवेश का मान जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। और ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत टाइम पूछा जाता है। अगर हम ऐसे कोई कण की परिकल्पना करें जो आपका प्रकाश की वेग की गति से गमन करता है, प्रकाश के वेग की गति से गमन करता है, तो उस आवेश का अगर हमको द्रव्यमान निकालना है तो उस द्रव्यमान को हम आइंस्टीन के सापेक्ष विशिष्ट सापेक्षिकता के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, एम बराबर एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पर एम नॉट आपका विराम अवस्था में द्रव्यमान होता है, विराम अवस्था में द्रव्यमान, और सी यहां पर है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये है आपका आवेश की निश्चयता। नोट डाउन प्लीज। जो आवेशों का गुण है वो है आवेशों की योजिता, आवेशों की योजिता से तात्पर्य है कि जो हमारे पास अलग अलग जो हमको जो भी आवेश दे रखे होंगे, अगर हमको किसी का नेट आवेश निकालना है, कुल आवेश निकालना है, तो हम उन जितने भी आवेश उन सब का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा आवेशों की योजिता। और आवेशों की योजिता में किसी भी लगत निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहता है। और दूसरा गुण इसका है कि किसी विलगित निकाय का, विलगित किसी निकाय का आवेश शून्य हो तो वह उदासीन आवेश कहलाता है, उदासीन आवेश कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन की इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो अगर किसी निकाय पर आवेश अगर आपका शून्य हो तो वह कहलाता है आपका उदासीन आवेश। सातवां गुण, आवेशों की योजिता
इसका कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से आ सकते हैं कि आपको कुछ आवेश दे दें, कुछ धनात्मक रूप से और कुछ ऋणात्मक रूप से। जैसे आपको कोई निकाय दिया गया है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज है, प्लस 8 कूलम, माइनस 2 कूलम, प्लस 7 कूलम, माइनस 10 कूलम और प्लस 15 कूलम। और आपको कह दिया जाए कि आप इसकी आवेशों की योजिता निकालो, तो आप क्यू जो टोटल निकालना है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस 8c माइनस प्लस 7c प्लस 15c माइनस 2c माइनस 10c। प्लस प्लस को ऐड कर दो और माइनस माइनस को ऐड कर दो, तो आपका जो टोटल चार्ज हो 8 7 50 50 50 30 30 कूलम माइनस 12 कूलम, तो ये आपका जो नेट है वो हो जाएगा आपका प्लस 18 कूलम। यही होता है आपका आवेशों की योजिता। इसके बाद इसका जो अगला गुण है उस पर बात कर रहे हैं, आवेश का संरक्षण का नियम। आवेश का संरक्षण का नियम, जो आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हो, आवेश का संरक्षण का नियम। तो आवेश का संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो, इसको खाली एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हो, जिसकी परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि आवेश का संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न इसको नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और किसी विलगित निकाय का सेकंड पॉइंट क्या होगा कि किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहता है या शून्य होता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षण का नियम है कि इसको खाली एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, और सेकंड पॉइंट कि किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहता है। इसको आप दोनों तरह से कह सकते हो। आवेश का संरक्षण का नियम इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। संरक्षित रहने का मतलब इसका जो कुल आवेश है वो कितना होगा, क्यू टोटल आपका जीरो होगा। संरक्षित का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका पॉजिट्रॉन है, ये आपका पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी तरह से पॉजिट्रॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये मिलकर बनाते हैं आपका गामा रेज, गामा किरण, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया ये कहलाती है युग्म विनाश, युग्म विनाश प्रक्रिया, ठीक है। तो विनाश किस तरह से हो रहा है इसको हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारा -1.6 × 10⁻¹⁹ और पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा +1.6 × 10⁻¹⁹। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, तो हमारा जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो।
यानी निकाय का विलगित निकाय का कुल आवेश क्या हो रहा है, संरक्षित रह रहा है। क्यों, कितना आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, जीरो। इसी तरह से इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देते हैं, तो इसी को जब हम उल्टा करते हैं, यानी घावा जो है जब टूटता है तो वो टूटता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, और इस प्रक्रिया को कहते हैं युग्म का उत्पादन। यानी गामा रे के टूटने से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम युग्म उत्पादन कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन, और इसको कहते हैं हम युग्म विनाश। यानी टोटल चार्ज जब जुड़ के जीरो हो रहा है, इसका विनाश हो रहा है। एक तीसरा बेसिक सा कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो नाभिकीय रिएक्टर में यूज आता है, वो है आपका यूरेनियम। यूरेनियम जिसका जो एटॉमिक नंबर है और परमाणु क्रमांक 92 है और 238 होता है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं, जब इसको तोड़ते हैं, तो ये आपका थोरियम 234 और हीलियम जिसको अल्फा कण कहते हैं के रूप में टूटता है। थोरियम और हीलियम इनको कहते हैं अल्फा कण। हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में कि अल्फा कण क्या होते हैं, गामा कण क्या होते हैं, बीटा कण क्या होते हैं, ठीक है। तो जब इसको देखा जाए कि कुल आवेश संरक्षित कैसा होता है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, 92 × 1.6 × 10⁻¹⁹ ये हो जाएगा 91.6 × 10⁻¹⁹ प्लस 2 1.6 × 10⁻¹⁹ यानी यहाँ इसके पास जितनी एनर्जी थी और इसके पास एनर्जी, दोनों ही क्या होगी, इक्वल होगी, यानी आवेश क्या हो रहा है आपका, संरक्षित रह रहा है। तो इसका ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट, आप इसको भी नोट कर लीजिए। एक जो हमने इससे पहले बात की थी आवेश की निश्चितता की, उसमें आप एक चीज को ऐड कर लीजिए कि आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर वेग किसी वस्तु का वेग, किसी पदार्थ का या किसी आवेश का वेग अगर परिवर्तित होता है, तो आवेश का इस पर कोई निर्भरता नहीं है। पर अगर यदि विशिष्ट आवेश हो, विशिष्ट आवेश, तो वो आपका वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं, अगर आवेश को अगर हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं, यानी द्रव्यमान से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश जो है आपका वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। अब हम आवेश से जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो जैसे कोई न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं कि किसी कोई हमारा तार है, ठीक है, जिसमें से पर सेकंड जो टाइम से कुछ आवेश बह रहा है, उस आवेश को हम कुछ ले लेते हैं, जैसे 10 कूलम, ठीक है। तो 10 कूलम का आवेश जो है वो प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हमको अगर ज्ञात करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लिख लेते हैं कि एक किसी तार से 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है वो क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। हमारे को दे रखा है 10 एम्पीयर की विद्युत धारा, यानी हमारे पास I की वैल्यू जो है वो दे रखी है, और I की वैल्यू है हमारे पास 10 एम्पीयर। और इसमें हमारे को दे रखा है प्रति सेकंड टाइम, टाइम दे रखा है हमको 1 सेकंड। हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी n, नंबर्स निकालने हैं n। तो हमारे पास हमको पता है कि आविष्कार जो क्वांटा है उससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था, और वो था हमारे पास q बराबर np, यानी हमको निकालना है n, n कितना होता है। ठीक है, अब e हमें ऑलरेडी पता है, e की वैल्यू फिक्स्ड होती है और वो होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। q, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्यों नहीं दे रखा है, हमको दे रखा है आई, और हमने पढ़ रखा है कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो इससे हम क्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। आई हमारे पास है 10 एम्पियर, इंटू टी हमारे पास है 1, तो क्यू बराबर हो जाएगा 10 कूलम्ब। ठीक है, तब इसकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो हमको एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। ये हो जाएगा हमारे पास, q की वैल्यू हमारे पास 10 है, और डिवाइड में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, पॉइंट हटाया तो ये हो जाएगा 100 × 16 × 10⁻¹⁹। इसको जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻¹⁹ अपॉन 16। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 6.25 × 10⁻¹⁹। आंसर ये तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला एक जो इम्पोर्टेंट गुण है वो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर लेता है, तो ये आप उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके चलिएगा कि आवेश का वेग से क्या संबंध है, क्योंकि हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था कि आवेश जो है आपका निरपेक्ष राशि, यानी इसका वेग से कोई संबंध नहीं है। वेग अगर बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि आवेश उतना ही बढ़ेगा, यानी इसके ऊपर ये पूर्ण तरह से निर्भर नहीं है। तो एक स्थिर आवेश और एक गतिमान आवेश और एक त्वरित आवेश किस तरह से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला मेन पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि जो स्थिर विद्युत आवेश है, हम बात ही कर रहे हैं स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत आवेश, तो जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश नाम से स्थिर आवेश, यानी वो आपका स्थिर है, यानी उसका वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0। तो स्थिर आवेश हमेशा, स्थिर विद्युत आवेश हमेशा विद्युत बल उत्पन्न करता है। इसको स्पेशल नोट करके लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स। स्थिर आवेश जिसका वेलोसिटी जीरो होता है वो हमेशा आपका विद्युत बल ईएफ उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट है आपका नियत वेग से गतिशील। आप सुनिएगा, नियत वेग से गतिशील, ये वेग पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो नियत वेग से गतिशील यानी यहां पर v जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वेग से निर्भर कर रहा है, वेग आवेश पर निर्भर नहीं करता है। हाँ,
कुछ एक हो सकता है पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है। तो नियत वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील आवेश में स्थिरता तो विद्युत बल, और इसमें विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत नियत वेग से गतिशील आवेश में विद्युत बल तथा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल EF प्लस MF उत्पन्न होते हैं या बल बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कि अगर नियत वेग से गतिशील आवेश है तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र बनेंगे, विद्युत बनेगा, विद्युत चुंबकीय दोनों बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्थिर आवेश होगा तो खाली विद्युत बल ही बनेगा, अगर कोई गतिशील होगा किसी नियत वेग से तो उसमें विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों ही उत्पन्न होंगे, और तीसरा अगर कोई त्वरित होगा एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल, त्वरित वेग से गतिशील कण, त्वरित वेग से गतिशील कण या आवेश, गतिशील आवेश, तो त्वरित वेग से गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और उसके साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बनती है। गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी निर्माण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी निर्माण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी निर्माण होता है। इसमें ये भी बन रही इलेक्ट्रिक, इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों ही बनती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक यही है, स्थिर आवेश है तो ई बनेगा, नियत वेग से गतिशील है तो ई के साथ एम भी बनेगा, और जब त्वरित वेग से गतिशील होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी निर्माण होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Thank you.